आप लोग भी शॉक हो गए ना थंबनेल देख के साथ में टाइटल पढ़ के। और जब मैंने ये देखा था मैं भी शॉक हो गया था। मैं यही सोच रहा था कि आखिरकार नेटफ्लिक्स ऐसा कैसे कर सकता है। जिसको भी नहीं पता उसके लिए मैं बता देता हूँ, मैं वेंसडे वेब सीरीज के बारे में बात कर रहा हूँ जो कि नेटफ्लिक्स की सबसे मोस्ट वॉच्ड वेब सीरीज में से एक है। और क्या सच में वेंसडे सीजन 2 कैंसिल हो चुका है, और अगर कैंसिल नहीं हुआ है तो कब तक हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा, इसी सब के बारे में बात होने वाली है इस वीडियो में। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। वेब सीरीज में फोकस किया गया है एडम्स फैमिली की सबसे बड़ी बेटी वेंसडे के ऊपर, जिसके पास सुपर नेचुरल पावर है, यानी कि जब भी वो किसी को छूती है तो उसका भूत भविष्य देख सकती है। और वेब सीरीज में सिर्फ वेंसडे ही अकेली नहीं है जिसके पास सुपर नेचुरल पावर है, और भी लोग हैं और उन्हें वेब सीरीज में आउटकास्ट कहा गया है। और जिनके पास सुपर नेचुरल पावर नहीं है, यानी कि जो आम लोग हैं, उन्हें नेबर्स कहा गया है। वैसे तो बहुत सारा कंटेंट पहले भी बन रखा है एडम्स फैमिली के ऊपर, पर ये जो वेब सीरीज बनी थी नेटफ्लिक्स के द्वारा, ये वेब सीरीज और अलग मूवीज और वेब सीरीज से अलग है, क्योंकि इस वेब सीरीज में एडम्स फैमिली के साथ साथ आउटर वर्ल्ड की चीजों को भी बहुत अच्छे से दिखाया गया है। और यहाँ पे वेंसडे का कैरेक्टर ही नहीं, इसका डांस भी बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ था। आपको ये बात याद ही होगी, अगर आप लोगों ने ये वेब सीरीज देख रखी है तो आपको पता होगा इसमें एक जेवियर नाम का बंदा दिखाया गया है जो कि वेंसडे से दोस्ती करना चाहता था, पर यहाँ पे वेंसडे उससे दोस्ती करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी। यहाँ तक कि स्कूल के किसी भी बच्चे के साथ वो दोस्ती नहीं करना चाहती थी। पर ये जो वेब सीरीज में जेवियर नाम का बंदा है, जिसका असली नाम पर्सी हाइनस व्हाइट करके है, ऐसा बताया जा रहा है कि इस बंदे ने एक पार्टी के दौरान किसी लड़की को छेड़ दिया है, जिसकी वजह से इसके ऊपर असॉल्टेड के चार्जेस लग चुके हैं। और इस घटना के बाद ये जो जेवियर नाम का बंदा है, हम लोगों को वेंसडे सीजन 2 में देखने के लिए नहीं मिल सकता है। और ये न्यूज पढ़ के मुझे दो बातों का बहुत बुरा लगा। पहली बात ये, अमेरिका जैसे देश में रहने के बावजूद अगर आप लोगों को लड़कियों को छेड़ना पड़ रहा है तो भाई वहां पर रहना ही क्यों। और सेकंड बात ये है कि जब मैंने इस बंदे को वेब सीरीज में देखा था तो भाई इसे देख के लगता था कि इस बंदे के कुछ अपने ही राज हैं, और जब वो बाहर आएंगे तो भाई बहुत ही ज्यादा मजा आएगा वेब सीरीज में। पर लगता है अब ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। क्या आपको भी ऐसा लगता था, कमेंट करके जरूर बताना। और इस बात को जोड़ करके कुछ न्यूज़ में ये खबर आ रही थी कि भाई सीजन 2 नहीं आएगा, तो ये बिल्कुल गलत बात है। यहाँ पे खुद नेटफ्लिक्स ने सीजन 2 की अनाउंसमेंट की है, तो हम लोगों को सीजन 2 देखने के लिए मिलेगा ही। देखो अगर शो में सबसे अच्छे करेक्टर की बात की जाए तो सबसे पहले नाम आता है वेंसडे का, क्योंकि जिस तरह से उस करेक्टर का डेवलपमेंट किया गया है, उसे बनाया गया है और डायरेक्ट किया गया है, लोगों को इतना ज्यादा पसंद आया कि नेटफ्लिक्स ने 2023 के जनवरी महीने में इसके सीजन 2 की घोषणा कर दी थी। और नेटफ्लिक्स को सीजन 2 के अनाउंसमेंट किए हुए एक साल से ऊपर हो रहा है और अभी तक हम लोगों को सीजन 2 देखने के लिए नहीं मिला है। तो अब सवाल आता है कि आखिरकार सीजन 2 कब देखने के लिए मिलेगा। अगर कुछ रिसोर्सेज की माने तो हम लोगों को वेंसडे का सीजन 2 2024 में तो देखने के लिए नहीं मिलने वाला है, क्योंकि बताया जा रहा है कि अभी तक इसका प्रोडक्शन भी चालू नहीं हुआ है, यानी कि इसकी शूटिंग वगैरह भी चालू नहीं हुई है। सीजन 2 की शूटिंग अप्रैल मई महीने में चालू हो सकती है, जिसके बाद पूरा सीजन 2 शूट होगा और उसके बाद उसे एडिट किया जाएगा। तो मतलब ऐसा मान के चलो कि इस पूरे साल में शायद ये शो बन के तैयार हो जाता है, तो हम लोगों को ये शो 2025 के अर्ली में देखने के लिए मिल सकता है, और ये बात भी अभी तक कंफर्म नहीं है। और इसका ट्रेलर आप लोगों को 2024 के लास्ट में देखने के लिए मिल सकता है, यानी कि दिसंबर महीने के आसपास में, अगर यहाँ पे शूटिंग चालू हो जाती है अप्रैल मई के महीने में तो। और आप लोगों का वेंसडे वेब सीरीज का सबसे फेवरेट कैरेक्टर कौन है, और सीजन 2 को लेकर के आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट करके जरूर बताना।